हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना रसोई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल और तुरई की सब्जी। जिनको तुरई पसंद भी ना हो, ये सब्जी ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम तुरई लिया था, उसको हमने छीलकर धोकर अच्छे से काट लिया है। यहाँ पर मूंग दाल है, मूंग दाल को हमने 20 से 25 मिनट तक भिगो लिया था। ये देखिए, अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से भीग गया है मूंग दाल। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। तो ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा, उसके बाद डालेंगे हींग और ये प्याज को डालेंगे। हमने बारीक बारीक काट लिया है प्याज को, उसको डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। तो प्याज हल्का सा भून गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, हमने खलबट्टे में इसको कूट लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर हमने कसूरी मेथी ले लिया है, इसको हम क्रश कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको डाल देते हैं। तो ये प्याज हमारा भून चुका है, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है हल्दी पाउडर और आधा टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा टेबल स्पून गरम मसाला। हमने गैस की फ्लेम यहाँ धीमा कर लिया है ताकि मसाले जले ना। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये मूंग दाल जो हमने भिगो कर रखा था। अब इसको हम भून लेंगे 3-4 मिनट तक। तो मूंग दाल को हमने 2-3 मिनट तक इसमें भून लिया है तेल में। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, एक टमाटर को हमने बारीक काट लिया था, और डाल देंगे नमक। नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है और इसको कवर कर देंगे और 3-4 मिनट तक इसको टमाटर गलने तक पका देंगे। तो यहाँ पर टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसमें हम तोरी ऐड कर देंगे और इसको भी हम कवर कर कर 3-4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, मिक्स कर देंगे। अभी हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तोरी हमारा पानी रिलीज करता है, तो अभी हम बाद में पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ढक देते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। तो हमने 4 मिनट तक सब्जी को कवर करके पका लिया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 2-3 टेबल स्पून हम पानी डाल देते हैं और तोरी को वापस से ढक कर पका लेते हैं, कवर कर देंगे इसको और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। तो आप इस सब्जी को थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का भी बना सकते हैं अगर आपको राइस से खाना हो तो। बाकी अगर रोटी पराठे के साथ खाना हो तो ये सब्जी बेस्ट है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तोरी मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।